सभी का जय हिंद संविधान। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिर हसदेव के जो जंगल है, हसदेव ये एक हसदेव एक नदी है, उसके आसपास का ये जंगल है, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट है। और उसमें जो कांग्रेस सरकार जो पहले थी वो भी जंगलों की कटाई करना चाहती थी, जैसे ही सरकार बदली आदिवासी मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला काम ये करा कि जो आदिवासी क्षेत्र जो हसदेव का जंगल है उस जंगल में फिर कटाई शुरू करी। आज वहां पे हमारे लोग वहां पे गए 7 तारीख में, वहां पे मीटिंग रखी हुई थी, पूरे गांव को बंधक बना रखा है, जितने भी छत्तीसगढ़ से लोग हसदेव के वहां पे जा रहे थे मीटिंग करने उन सबको अरेस्ट करा जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। क्या सरकारें सारी सरकारें एक ही तरह की है? क्या देश के लोगों को ये धोखा दे रहे हैं? क्या जो पॉलिसी उनकी थी वही पॉलिसी इस सरकार की है? क्या खनन माफियाओं का, क्या अडानी का पूरे देश पे खनन पे कब्जा होने वाला है? ये समझ से परे बात है। जिनके खिलाफ आंदोलन हमारा पहले चलता था कांग्रेस के खिलाफ, आज वही आंदोलन हमारा जो बीजेपी की वहां पर वर्तमान सरकार बनी उसके खिलाफ भी वही आंदोलन चला हुआ है। उन हसदेव के जंगलों में क्या है? हसदेव के जंगल वे हैं जहां पे भगवान श्री राम ने तपस्या करी, वहां पर रहे, वहां पे सीता माता के आज भी चिन्ह वहां पे मिलते हैं, आज भी मंदिर वहां पे हैं, लेकिन उन्हीं जंगलों को काटा जा रहा है क्योंकि उन्हीं जंगलों को अडानी को खनन करने की वहां परमिशन दी जाएगी। और आज छत्तीसगढ़ में फिर एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहे हैं। आप लोग सब लोग इन चीजों पर बने रहे, आप दे रहे होंगे कि इमरजेंसी में सब लोग ने मीटिंग बुलाई, यहाँ पे सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आगे का जो भी निर्णय होगा हम समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। हसदेव के जंगल बचाने का एक बड़ा अभियान पुराने समय से चला हुआ है। वे हसदेव के जंगल जहां पे वन जीव रहते हैं, हाथी बहुत रहते हैं, और जो मानव हमले हो रहे हैं, जो मानव पे हमले हाथी करते हैं, वे उन्हीं जंगलों से जब जंगल काटे जाएंगे तो वे ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, और उसका जो द्वंद युद्ध हो रहा है, जो हाथी और मानव का युद्ध हो रहा है, आप अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र, इन सब जगह वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। हमारा एक अभियान चले, हसदेव के जंगल बचे, वे नदियां बचे, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है वो बचे। हम सब इस मुहिम के साथ में, छत्तीसगढ़ आदिवासियों के साथ में हम हैं। जय हिंद, जय हिंद संविधान। धन्यवाद।